दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में दोस्तों दो अहम मुद्दे होंगे। सबसे पहले डीएसएसबी के टीजीटी और पीआरटी एडमिट कार्ड को लेकर के जो हर रोज मैसेज कॉल आ रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा राहत वाली खबर आप लोगों के लिए आई है। दूसरी चीज, आंसर के आल्सो अवेलेबल फॉर पीजीटी कैंडिडेट्स हियर। एडमिट कार्ड के साथ साथ जिन बच्चों ने एग्जाम दे चुका है, जो डीएसएसबी के पीजीटी के पहली लिस्ट में एग्जाम दे चुके हैं 2 से 7 वाली लिस्ट में, उनमें से भी कुछ लोगों की आंसर की बोर्ड ने डाल दी है। तो इसके बाद एडमिट कार्ड और एग्जाम डेट की चिंता ना करें, आप सिर्फ तैयारी करें और अपना फोकस रखें स्टडी के ऊपर, सिलेबस के ऊपर और टॉपिक के ऊपर। तो पहले तो ये देखना आप लोगों ने कि टीजीटी और पीआरटी के एडमिट कार्ड के बारे में अभी क्या कहा गया है। दूसरी चीज, आप लोगों ने अगर एग्जाम दे लिया है तो फिर आप लोगों ने उसकी आंसर की जरूर देख लेनी है, तो वो भी आपके लिए एक अच्छा मौका है ताकि आप लोग अपने एग्जाम को अपनी आंखों से देख सको, ताकि बाद में आपको ये ना रहे कि मेरा तो ये हुआ या मैंने तो ये किया था, तो वो टेंशन भी खत्म हो जाएगी। आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आज अगर आप डीएसएसबी की साइट को ओपन करते हैं 8 तारीख को, तो आपको ये सिग्नल मिलेगा। जहां एडमिट कार्ड आने चाहिए थे वहां आपको ये सिग्नल मिलेगा, नो ई एडमिट कार्ड अवेलेबल एट दिस टाइम, यानी अभी कोई एडमिट कार्ड अवेलेबल नहीं है। 2 से लेकर के 7 जुलाई तक जो एग्जाम होने थे वो एग्जाम हो चुके हैं, तो उनके एडमिट कार्ड का लिंक भी उन लोगों ने हटा दिया है। उसके बाद 23 से लेकर के 30 जुलाई जो एग्जाम होने हैं उनका एडमिट कार्ड का लिंक अभी नहीं डाला है, उनके एडमिट कार्ड वो 23 तारीख से पहले डालेंगे, यानी 22 तारीख को वो इनको डाल देंगे। उसी समय आपको यहाँ पे एक नया लिंक मिलेगा, यू कैन डाउनलोड ई एडमिट कार्ड फ्रॉम हेयर, ये आपका होगा। तो इसके लिए अभी तो कोई कंफ्यूजन खासकर आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए, इसको बार बार देखने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 7 जुलाई लेकर के और 23 जुलाई तक इनके बीच जो भी डेट है, यहां डीएसएसबी का कोई एग्जाम आपका नहीं है, न पीजीटी का बचे हुए बच्चों का है, न टीजीटी वालों का है और ना ही पीआरटी वालों का है। ये तो आपको यहां पे डाउट खत्म कर देना चाहिए। तो ये जो दिन है आपके, ये दिन तो आप स्टडी के ही हैं जिन बच्चों के, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट जब पीजीटी की आई तो सेकंड शिफ्ट आने के बाद जो बच्चे बचे हैं जिनका संस्कृत का पीजीटी का है या कुछ और सब्जेक्ट्स का है, जो यहाँ बचे हुए हैं वो भी बार बार देख रहे हैं कि हमारा कुछ आया। दोस्तों आपका 7 जुलाई हो चुकी थी, आज 8 हो चुकी है, 8 से लेकर के 30 तक, क्योंकि 30 तक तो इनका चलेगा ही चलेगा, यहां तक इन 22 दिनों में पीजीटी के बचे हुए बच्चों का कोई चांस नहीं है एडमिट कार्ड का। दूसरी बात रही बीएड की, आप लोगों का जो टीजीटी वाले बच्चे हैं उनके लिए भी यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है, तो इसका मतलब आप 30 जुलाई तक तो निश्चिंत रहें, 30 जुलाई तक तो आप अपनी तैयारी करें, फालतू की चीजों में ना पड़े। कभी व्हाट्सएप पे मैसेज आता है ये आ गया, कभी ग्रुप में आ जाता है, कभी कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट अपने आप को बताते हैं जो डीएसएसबी का, वो कोई ना कोई शगुफा छोड़ देता है जो हमारी चैन और नींद हराम कर देता है, फिर हम हर जगह मैसेज करते हैं। मैं खुद अपनी बता दूं दोस्तों, सारा दिन कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं, व्हाट्सएप पे रहता है, फेसबुक पे आता है, मतलब पूरा पूरा हाल मचा हुआ है। इसी वजह से ये एक बार वीडियो बनानी पड़ी इमरजेंसी, क्योंकि दोस्तों जिन बच्चों को पता है कि टीजीटी का नहीं आया है वो भी मैसेज करके बोल रहे हैं, सर एक बार देखना मेरा आया क्या। यार जब किसी का भी नहीं आया है तो तुम कोई भगवान तो हो नहीं कि तुम्हारा अलग से आएगा, तो एक बार थोड़ा सा, हालांकि आप लोगों की चिंता जायज है, बट दोस्तों चिंता तो जायज है, बट जब है ही नहीं, जब एग्जाम की डेट ही नहीं है तो कहां से आएगा। बार बार कॉल करके पूछा जा रहा है या मैसेज करके पूछा जा रहा है, सर पीआरटी का कब होगा। भाई अभी नहीं है, तो अभी नहीं है तो सर क्यों नहीं है और कब होगा, इन क्वेश्चनों के जवाब पॉसिबल ही नहीं होते हैं। डिप्लोमेटिक जवाब हम देना नहीं चाहते हैं और श्योरिटी अभी है नहीं, क्योंकि डीएसएसबी के बारे में सिर्फ डीएसएसबी ही जानता है, अब आगे का बारे में अभी कोई प्रोसेस है ही नहीं। दूसरी चीज, अब इसके बाद पीआरटी की बात करते हैं, तो पीआरटी के बारे में एक खबर उड़ाई गई, पीआरटी के बारे में एक खबर उड़ाई गई थी जिसमें यह कहा गया था कि 23 जुलाई से 30 जुलाई जो पीजीटी वालों का एग्जाम है, सेकंड शेड्यूल वालों का, उसमें 28 और 29
ये दो डेट खाली हैं। तो ये खबर उड़ाई गई कि भाई जो ये दो डेट खाली हैं, इन दो डेट्स में पीआरटी का एग्जाम करवाएंगे। दोस्तों बिल्कुल नहीं है, 100% झूठी खबर है, व्हाट्सएप पे पूरी वायरल हो रही है। लेकिन दोस्तों ऐसा कोई खबर नहीं है, क्योंकि जब डीएसएसबी ने 30 तारीख तक की डेट दी है तो वो 28 और 29 की क्यों नहीं देगा? और अगर 28 और 29 की नहीं देगा तो जो डेट डीएसएसबी ने ऑलरेडी 30 तक दे ली, मान लो आज हम 8 जुलाई में बात कर रहे हैं, अगर 8 जुलाई में हम बैठे हैं और 30 जुलाई तक एग्जाम डेट दे दी, तो 30 तारीख की एग्जाम डेट से पहले की डेट तो ये बोर्ड दे ही नहीं सकता। ये तो साइंटिफिकली भी गलत है और लॉजिकली भी गलत है। तो जो बच्चों को ये मैसेज मिल रहा आजकल, बहुत ज्यादा लोगों को मिला, मेरे पास भी कई लोगों ने भेजा है, ये जो है ये बिल्कुल फोर्स है। यहाँ न टीजीटी का एग्जाम है और ना ही यहाँ पीआरटी का एग्जाम है, तो इस चीज से निश्चिंत रहें। जब तक पीजीटी का सेकंड शेड्यूल नहीं होता तब तक थर्ड शेड्यूल नहीं आएगा, और जब तक थर्ड शेड्यूल नहीं होता है टीजीटी का एडमिट कार्ड नहीं आएगा, और तभी आपका पीआरटी का भी आएगा। तो इसलिए दोस्तों टीजीटी और पीआरटी वालों के लिए एक एक डेढ़ डेढ़ महीना आराम से है, आप तैयारी करें, सिलेबस को देखें, हर सिलेबस के हर टॉपिक को पढ़ें। जहां पे डाउट है आप अपने कंसल्ट डिपार्टमेंट से, दोस्तों से, साथियों से, टीचर से, नोट से, हमसे आप पूछ सकते हैं। तो इसलिए प्लीज, जिन्होंने तैयारी स्टार्ट नहीं की है ढंग से उनके लिए भी मौका है, जिनकी तैयारी हो चुकी है रिवाइज करने का मौका है, क्योंकि कंपटीशन काफी टफ आने वाला है, चीजें आसान नहीं रही हैं। पिछले 3-4 आप पेपर देखते हो, मान लो 2 तारीख से लेकर 7 तक के सभी आ चुके हैं अब, तो उनको देखते हो तो आपको लगता है कि चीजें इतनी आसान रही हैं। थिंग्स आर गोइंग टू बिकम टफ डे बाय डे। हर एग्जाम में लेवल बढ़ रहा है, हर एग्जाम में क्वेश्चन का स्टैंडर्ड चेंज हो रहा है, हर एग्जाम में क्वेश्चन के टॉपिक और सिलेबस तक बार बार चेंज देखे जा रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, एग्जाम को देने का तरीका चेंज हो रहा है, मोड चेंज हो चुका है। तो इसलिए जिनका हो चुका तैयारी, ओवर कॉन्फिडेंस ना रहें, कोई गारंटी नहीं है कि आप अपने आप को कितना प्रिपेयर कर पाए हो। तो इसलिए टाइम वेस्ट ना करें, जो चला हुआ है उसको और चलाएं, और जब तक कोई भी डेट नहीं आती है प्लीज टेंशन ना लें, ना औरों को दे। मैं सिर्फ इतना ही कहता हूं, जिस दिन डेट आएगी 1 घंटे के अंदर अंदर आप सबको जानकारी दे दी जाएगी, व्हाट्सएप के माध्यम से भी, फेसबुक के साथियों को भी, और यूट्यूब पे तो आप सभी हैं ही, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि उसी समय आपको पता चल जाए, और जैसे ही आएगी उसी समय आपको बता भी दिया जाएगा। एडमिट कार्ड की जहां तक बात है, जैसे ही डेट आएगी तो एडमिट कार्ड भी आएंगे, और एडमिट कार्ड जिस बच्चे का ना निकले, आपकी बार भी यही समस्या हुई है, काफी बच्चों के एडमिट कार्ड नहीं निकले हैं, हम लोगों ने खुद निकाल के दिए हैं, साथियों को बताया भी है, तो जिसका भी एडमिट कार्ड निकलने की समस्या हो वो भी उस समय हमें बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको एप्लीकेशन के द्वारा और डेट ऑफ बर्थ के द्वारा निकाल कर दे दिया जाएगा। तो ये टेंशन तो आप बिल्कुल ना लें। एग्जाम डेट बाकी की अभी कोई नहीं है। कुछ पूछते हैं सर टेंटेटिव डेट क्या होगी? भाई टेंटेटिव डेट क्या होती है? एस्टिमेटेड होती है ना। टेंटेटिव तो कोई आपको कुछ भी बोल देगा, टेंटेटिव का मतलब क्या? सत्यता की गारंटी नहीं है। अगर आपको आज कोई बोल दे कि भाई टेंटेटिव तो दिसंबर 2018 में है, क्या मान लोगे आप? और क्या गारंटी वो सही होगी कि नहीं होगी? टेंटेटिव का मतलब होता है या तो बोर्ड कोई डेट दे टेंटेटिव, तब तो मजा आए। अब हम खुद अपनी टेंटेटिव डेट बनाते हैं, कोई अगर आपको यह कहेगा कि भाई 1 अगस्त से है, उसको तो आप मान लोगे क्योंकि आपको एग्जाम की जल्दी है। कोई बोलेगा कि दिसंबर में है तो आप उसको मना कर दोगे, गालियां दे दोगे कि ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि आपको वो शूट नहीं कर रही। टेंटेटिव का कोई मतलब नहीं होता है। टेंटेटिव या तो बोर्ड देता है और वो नहीं दे रहा है, उन्होंने कोई डेडलाइन नहीं दी है, तो फिर आप टेंशन ना करें। उन्होंने इतना कहा कि अगस्त में एग्जाम करवा लेंगे हम सारे, तो अगस्त तक का वेट करें और तैयारी करें, अच्छे से मेहनत करें। दूसरा पोर्शन आज की वीडियो का, दूसरा पोर्शन आज की वीडियो का है दोस्तों आंसर की। आंसर की उन्होंने कहा है कि 7 तारीख को ये जारी किया है उन लोगों ने, कि उन्होंने कहा है कि ड्राफ्ट आंसर की एंड फिलिंग ऑफ ऑब्जेक्शंस फॉर ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर द एग्जाम हेल्ड ऑन 2 जुलाई, 3 जुलाई और 4 जुलाई। 2, 3 और 4 जुलाई को जो एग्जाम हुए हैं, कौन से पोस्ट के हुए देखेंगे? पीजीटी इंग्लिश का फीमेल का, पीजीटी बायोलॉजी का मेल का, और पीजीटी इकोनॉमी का मेल का, और पीजीटी मैथ का मेल का, ज्योग्राफी पीजीटी फीमेल का, और पीजीटी फिजिक्स मेल, पीजीटी मैथ फीमेल, पीजीटी इकोनॉमी फीमेल, और फिजिक्स का फीमेल का, पीजीटी का। ये जो 2 से लेकर के 4 तक जो एग्जाम हुए हैं, इन एग्जाम्स की
जो आंसर की है उन लोगों ने डाल दी है। क्या करना है आपको, कैंडिडेट हु हैड अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन फॉर द अबो सेड पोस्ट, इन पोस्ट्स के लिए और इस डेट के दौरान, मे व्यू द ड्राफ्ट की एंड फाइल ऑब्जेक्शंस इफ एनी विद रिस्पेक्ट टू दिस ड्राफ्ट आंसर की बाय गोइंग टू द लिंक गिवन एट द dssb.delhi.govt.nic.in। द लिंक विल बी अवेलेबल फ्रॉम 7 जुलाई टू 10 जुलाई। ए हेल्प फाइल फॉर फिलिंग ऑफ ऑब्जेक्शन इज गिवन बिलो। दिस हेल्प फाइल इज आल्सो अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ डीएसएसबी। तो यहां सिर्फ आपको इतना देखना है कि जिन बच्चों का इसके दौरान हुआ है एग्जाम, वो डीएसएसबी के साइट पे इस लिंक पे जा सकते हैं, वहां क्लिक करें। ऑब्जेक्शन अगर आपको है तो एक ऑब्जेक्शन फाइल दी गई है, उस पर लिंक करें, उसको फिलअप करें और उसको सबमिट करें। एक चीज ध्यान रहे, जिन बच्चों का इसके दौरान एग्जाम नहीं था वो इस लिंक को नहीं खोल सकते, उनका नहीं खुलेगा। जिन बच्चों का इस पीरियड के दौरान एग्जाम था और वो अवेलेबल नहीं थे, वो एग्जाम में बैठे नहीं है, उनका भी ओपन नहीं होगा। तो ये लिंक सिर्फ उन्हीं का ओपन होगा जिन बच्चों का इस डेट के दौरान एग्जाम था और वो एग्जाम में अवेलेबल थे, प्रेजेंट हुए हैं। दूसरी चीज, एक गुड़िया का मैसेज आया था, कॉल भी आया था बाद में, कि सर मेरे एग्जाम में सिर्फ 140 क्वेश्चन थे, मुझे आसान नहीं था मेरे लिए इस पर ट्रस्ट करना, क्योंकि हो सकता है कि खुलने में दिक्कत रही हो, जो भी रही हो, बट बच्चा बता रहा है तो उसकी अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम है। उसने कहा कि सर मेरे पास सिर्फ 140 क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन पेपर फर्स्ट में थे, और सेकंड पेपर जो उसका इंग्लिश का स्टूडेंट थे, इंग्लिश की लड़की थी, उसने कहा कि जो सेकंड पेपर था मेरा, उसमें सिर्फ 20-20 नंबर की दो ही स्लाइड ओपन हुई, तो सिर्फ 40 क्वेश्चन आए। तो उसने कहा कि मेरे पास 140 ही क्वेश्चन थे, और जब मैंने ड्यूटी वाले से पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, सभी के 140 हैं, क्योंकि उनको बेचारा को पता ही नहीं होता ड्यूटी वालों का क्या मतलब होता है, वो तो सिर्फ वहां पे इन्विजिलेटर का काम करते हैं, उनको इतना ज्यादा नहीं होता। हो सकता है कि कोई किस बैकग्राउंड से हो, जब से ऑनलाइन एग्जाम होने लगा है तो ऑनलाइन स्पेशलिस्ट जो हैं वो लोग वहां होते हैं, उनको इन चीजों का ज्यादा जानकारी नहीं होती है, सिर्फ सिस्टम का नॉलेज उनको ज्यादा होता है। हो सकता है कि उनमें से कुछ जानकार भी हो, वो डज नॉट मैटर। तो उन्होंने कहा कि इतने ही हैं सबके। जब उस गुड़िया ने बीच में किसी बच्चे से पूछा एग्जाम खत्म होने के समय, तो उन्होंने कहा कि सबके 300 थे, तो फिर वो घबरा गई, उसने ड्यूटी वाले से पूछा कि सर मेरे 140 आए और उनके इतने क्यों थे, तो आपने पहले तो बोला था कि सबके इतने हैं, तो उन्होंने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता। अब वो बच्ची न वहां पे किसी सीनियर के पास गई, एक दो दिन बाद वो कॉल कर रही है, सर ऐसा हुआ। अब ऐसे बच्चों के लिए बेटा मौका है कि आप लोग इस लिंक पे जाएं, देखें और वहां पे अपना ऑब्जेक्शन को सबमिट करें। मेरे पास उसका मैसेज आया था और कॉल भी आया था, बट मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, तो इसलिए आप, अगर मैं उसको पर्सनली, अगर मुझे नंबर मिला तो मैं जरूर कॉल करूंगा, अदरवाइज आप लोग शेयर करें, या उस बच्चे को अगर मिल गया है तो प्लीज आप लोग यहां आकर के देख सकते हैं। कहने का मतलब दोस्तों यही है, जितनी हेल्प हम करने की कोशिश कर रहे हैं, जितनी कर सकते हैं उतनी करेंगे। जिस बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट है अपने एग्जाम इस दौरान, वो यहां पे जाएं। जिन बच्चों का 5, 6, 7 को एग्जाम हुआ है, उनका ये लिंक 10 तारीख के बाद आ जाएगा, वो वहां पे देख ले, तो ये भी आगे वालों के लिए एक अच्छा मौका है। आज की इसके बाद और देख लो दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स प्लीज डू नॉट टेक टेंशन अबाउट एडमिट कार्ड एंड एग्जाम डेट। प्यारे साथियों, एडमिट कार्ड और एग्जाम डेट की टेंशन अभी ना करें। यू शुड फोकस ऑन योर सिलेबस एंड स्टडी। आपको अपने सिलेबस, टॉपिक्स और स्टडी पे फोकस करना चाहिए। No exam date of TGT and PRT before August 1st 2018. August 1st 2018 से पहले TGT और PRT की कोई डेट नहीं है, और अगस्त 2018 के बाद PGT का थर्ड शेड्यूल आएगा, तो वहां भी कोई जल्दी उम्मीद नहीं है। फिर आपका ये हो सकता है, फिर आपका इसके साथ ये हो सकता है। और जो 28-29 जुलाई की जो डेट थी PRT की, वो गलत थी, झूठ थी, उसके झांसे में मत आएं। अपनी स्टडी को डिस्टर्ब ना करें, अपनी स्पीड को खराब ना करें। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ कल फिर मिलते हैं। बाकी कोई भी डाउट हो, किसी टॉपिक पे कोई कंफ्यूजन हो तो बता दीजिए, बाकी टेंशन ना लें, तैयारी को शार्प करें। जितना आप पढ़ेंगे, जितना टाइम देंगे, उतना ही निखरेंगे, उतना ही चमकेंगे और उतने ही एग्जाम में क्रैक होने की संभावनाएं बढ़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर विद फ्रेंड्स, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ से हेल्प प्राप्त हो सके।